गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ हिमानी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। वीडियोस लेट हो रही हैं, आई नो वेरी वेल, बट इसका रीज़न आपको बाद में पता चलेगा कि मैं वीडियोस इतनी जल्दी जल्दी क्यों नहीं डाल पा रही हूँ। अभी नहीं बताऊँगी, अभी ठीक समय नहीं है आई थिंक, बट आने वाली वीडियोस में आपको मैं ये अपडेट जरूर दूंगी कि मैं वीडियोस क्यों लेट बना रही हूँ, क्यों लेट डाल रही हूँ। पिछले साल के कंपैरिजन इस साल वीडियोस कम क्यों आ रही हैं। तो वीडियोस का तो इश्यू अभी थोड़े टाइम रहने वाला है आपको, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ कि इस साल बहुत चेंज होने वाली है मेरी लाइफ। तो मुझे आपके साथ शेयर करने में भी बहुत खुशी होगी, मैं इस चीज़ को शेयर ज़रूर करूँगी, बट मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ एक ठीक समय का। खुद चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से ये समय थोड़ा सा और बीत जाए और मैं आपको बता पाऊँ कि मेरी लाइफ में वो क्या चेंजेस हैं जो आने वाले हैं। देखिए, शादी से पहले और शादी के बाद की जो लाइफ होती है बिल्कुल चेंज हो जाती है, लेकिन एक और स्टेज ऐसा आता है जब किसी लड़की की लाइफ एकदम ही बिल्कुल मतलब चेंज हो जाती है, कुछ भी उसका ऐसा नहीं रहता है पहले जैसा। तो मैं भी शायद, चलो मैं अब इतनी डिटेल आपको नहीं दूंगी इस बारे में, मैं आपको बताऊंगी थोड़े टाइम बाद। तब तक के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। आप इसे मेरी रिक्वेस्ट या फिर मेरी मजबूरी कुछ भी समझ सकते हैं, मैं अभी नहीं बता सकती, या फैमिली प्रेशर बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो सही समय पर ही होनी अच्छी लगती हैं, उससे पहले ना उससे बाद, ठीक है। तो वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैंने जो मेरी जो शादी की एल्बम थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ में डाली है अपनी शादी की एल्बम। तो यहाँ वाली आप देख चुके हैं, बट जो मेरे मायके की साइड की थी वो आपने नहीं देखी है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ क्या कहते हैं, इतने टाइम से वीडियो आ भी नहीं रही है तो मैं आपके साथ वो ही शेयर कर लेती हूँ। उससे पहले लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी कि आपको ध्यान होगा होली की कोतली पर मेरे भाई ने स्केच बना के भेजा था मेरे इन लॉज का, बट वो फ्रेमिंग के लिए पहली बात तो बहुत लेट गया। फ्रेमिंग के लिए जैसे तैसे मैं दे आई उसको, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं मार्केट जाके उसको ले आऊँ। मैंने हस्बैंड को भी बहुत बार बोला बट वो भूल जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम है ही भूलने वाली। तो फिर मैं लास्ट वेंसडे मार्केट जब गई, उसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने बनाई है, मैं वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगी कि मैं गई थी, फोटो फ्रेम लेकर आई हूँ, अच्छे तरीके से हो गया है और मैंने फ़िलहाल अपने रूम में ही लगा ली क्योंकि अभी और शादी की एल्बम आपको देखने के लिए मिलेगी मेरे साइड की, मतलब जिसमें मुझे हल्दी लग रही है। मतलब आपने पहले वाली जो वीडियोस देखी, सॉरी पहले वाली जो वीडियो देखी थी उसमें जो एल्बम थी उसमें मेरे हस्बैंड को हल्दी लग रही है, बट जो अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको वो उसमें मुझे हल्दी लग रही है, मतलब मेरी साइड की जो फंक्शन था। आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, कि शादी लॉकडाउन में हुई थी तो इतना कुछ ढोल धमाका ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, काफ़ी सिंपल तरीके से शादी हुई थी। तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, फर्दर डिले ना करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बे, तुम्हारी जरूरी नहीं है ना। चलो चलो अब होंगे 2 महीने से ऊपर तो भैया आज बाजार नहीं आते तो ये भी नहीं जाती फिर अटक जाती है। पिंक कलर की थी वो, और देखो पिंक कलर की थी वो, नहीं है तो कुछ और ले लेते हैं।
सिंपल सी ले लो कोई, वाली दिखी रही है ये सिंपल वाली ही ले लो, ये जो ऊपर है ना ये वाइट वाली, ये वाइट वाली है? सौ की भी ज़्यादा हो जाएगी। मैंने यहाँ पे अपना फ़ोटो फ्रेम लगाया हुआ है और साथ में ही लगा लिया है मम्मी और पापा का फ़ोटो फ्रेम भी, तो मैं थोड़ा आपको इसे जूम करके दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। ये वॉल पे ये प्रिंस ने बनाया है और मैंने फ्रेम करा के लगा भी लिया। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी मायके वाली वेडिंग एल्बम, तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। Thank you.
वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस बहुत टाइम हो चुका है चैनल को और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, शायद कुछ मेरी ही कमी थी। मेरी कुछ क्या मेरे को पता है मेरी कमी क्या है कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसी रीज़न की वजह से वो वीडियोज़ बनाने से भी बड़ा है। मैं आपको आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जो आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इस साल में बहुत कुछ आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेगा तो आप बिल्कुल मिस ना करिए ये सब चीज़ें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।